हाय फ्रेंड्स, वेल्कम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्प नाइन। आई एम डॉक्टर शालिनी जलूथरिया। फ्रेंड्स, जो आज का ये वीडियो है वो लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमने बहुत सारी कंफ्यूज करने वाली बातें जो प्रेगनेंसी के दौरान हमें आसपास के लोग बताते हैं उसके बारे में जानी थी। सो आज का वीडियो हम जल्दी से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करेंगे, बहुत सारी क्रीम्स ऐसी अवेलेबल हैं मार्केट में जो ये दावा करती हैं कि अगर आप उनके ब्रांड की क्रीम्स लगाएंगे जिसमें शिया बटर है, कोको बटर है, तो आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल झूठ बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी में जो स्ट्रेचिंग होती है एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि जो यूट्रस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए आपकी बाहर की स्किन भी स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से कोलेजन फाइबर्स टूटते हैं और हमारे निशान पड़ते हैं। लेकिन हाँ, बहुत लोगों में ये निशान काफ़ी ज़्यादा गहरे भी हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो कौन से लोग हैं? वो महिलाएं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रैपिडली, यानी कि बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी वेट गेन किया है, तो उनमें ये मार्क्स जो है काफ़ी गहरे और काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। या फिर वो महिलाएं जिनकी मदर में भी जो है ऐसे ही गहरे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स पड़े थे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी इस प्रेगनेंसी में इतने ही गहरे और ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स पड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ये जो बहुत सारी क्रीम्स होती हैं, अगर ये क्रीम्स भी नहीं लगानी है, तो आप आराम से जो है कोई कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेट्रोलियम जेली आपने यूज़ कर ली तो वो भी अगर आप लगाएंगे, तो उससे क्या होता है कि जो स्किन की ड्राइनेस होती है वो ख़त्म होती है, तो जो खुजली की वजह से जो मार्क्स पड़ते हैं वो नहीं पड़ेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड नहीं होगी, तो मॉइस्चर की कमी नहीं होगी, जिसकी वजह से जो है ड्राइनेस आपको कम होगी। ओके, सेकेंड मिथ ये है कि शारीरिक संबंध बनाने से जो है बच्चे को चोट पहुंच सकती है या फिर अबॉर्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क नहीं है, यानी कि अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई ब्लीडिंग की समस्या नहीं है या अवलनाल बच्चेदानी के मुंह पे नहीं है और आपको पहले कभी समय से पहले दर्द होने की शिकायत नहीं है, तो शारीरिक संबंध बनाना प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि सेक्स कभी भी फोर्सफुल नहीं होना चाहिए और कम्फर्टेबल पोजिशन में होना चाहिए। और दूसरा जो इसी के कंटिन्यूशन में है कि लोग कहते हैं कि जो है सेक्स करने से बच्चे को चोट भी पहुंच सकती है, तो फ्रेंड्स, बच्चा जो है एक एमनियोटिक फ्लूइड नाम का लिक्विड होता है जिसमें बच्चा होता है, फिर उसके बाद यूट्रस जैसी थिक मसल भी होती है, तो कुदरत ने काफ़ी नेचुरल प्रोटेक्शन ऑलरेडी दी हुई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तीसरा मिथ क्या है? तीसरा मिथ है कि लोगों को फूड को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि डॉक्टर साहब चॉकलेट खा लें या फिर चॉकलेट नहीं तो गोलगप्पे खा लें, पास्ता खा लें, पिज़्ज़ा खा लें। फ्रेंड्स, आज तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया जिसने ये पूछा हो कि डॉक्टर क्या हम घिया खा सकते हैं, क्या हम तोरी खा सकते हैं? क्यों? क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। फ्रेंड्स, आप प्रेगनेंसी के दौरान जितना घर पर बना हुआ खाना खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो तो एक तो जो है साफ़ सफाई से बना हुआ होता है, प्रॉपरली कुक्ड होगा, ठीक है, और जितना भी बाहर का खाना होता है उसमें एक्सेसिव स्पाइसेस होते हैं, ऑयल होता है, जिससे जो है आपकी एसिडिटी और बढ़ सकती है, और अगर वो साफ़ सफाई से नहीं बना हुआ है तो डायरिया के चांसेस होते हैं, फूड पॉइजनिंग के चांसेस होते हैं, तो आप ऐसी चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करें। लेकिन अगर हाँ, आप बहुत सारी चीज़ें अगर जैसे घर पर बना सकते हैं, कोई भी जैसे स्पाइसी चीज़ें, एटलीस्ट आप उसमें हाइजीन का तो आपसे ज़्यादा तो कोई ख्याल रखेगा नहीं, तो वो चीज़ आप खा सकते हैं। आप महीने में, दो महीने में एक बार अगर बाहर से खाना खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खाना साफ़ सफाई से बना होना चाहिए, हाइजीनिकली कुक्ड होना चाहिए और अंडर कुक नहीं होना चाहिए। अंडर कुक्ड का मतलब है जैसे कि कोई भी मीट आइटम्स हो गई, ठीक है, उसमें जो है मीट अगर होता है तो पूरा पका हुआ होना चाहिए, अध पका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर उसमें इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, राइट? अच्छा, बहुत लोग ये भी कहते हैं पेट का आकार देखकर जो है ये बता सकते हैं कि लड़का है या लड़की है, या फिर जो है बच्चे की धड़कन, कई बार जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे की धड़कन कितनी है, 120 है, 150 है। फ्रेंड्स, अगर बच्चे की धड़कन थोड़ी कम की तरफ है तो ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि हो सकता है बच्चे की स्लीप साइकिल हो, बच्चा जो है सो रहा हो, इसलिए थोड़ी धड़कन कम की तरफ है। ओके, और अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो ये जो बच्चे की धड़कन
150 160 भी आ सकती है। तो बच्चे की धड़कन और पेट का आकार देख के हम ये नहीं बता सकते कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। ओके उसके बाद क्या मिथ है कि जो भी आप खा रहे हैं उस पे उससे जैसे मान लीजिए अगर आप प्रेगनेंसी में सिर्फ मीठा खा रहे हैं तो बच्चे का भी जो है स्वाद उसी से डिसाइड होता है। यानी कि अगर आपने मीठा खाया है तो जब बच्चा बॉर्न हो जाएगा उसके बाद बच्चा भी मीठा खाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ अगर आप हेल्दी खाएंगे अच्छा खाएंगे फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल खाएंगे तो बच्चा हेल्दी ज़रूर होगा और इम्यूनिटी उसकी अच्छी होगी, इस बात की ज़रूर गारंटी है। ओके अच्छा फिर उसके बाद क्या है जैसे किसी भी तरह का नशा चाहे वो शराब हो गुटखा हो पान मसाला हो कितनी भी क्वांटिटी में कैसा भी कोई भी ऐसी सेफ लिमिट नहीं है फ्रेंड्स। कि अगर आप कई बार जो है पेशेंट्स पूछते हैं कि मैम जो है अगर हम थोड़ी सी वाइन ले लें थोड़ी सी अगर जो है अल्कोहल ले लें तो उससे कुछ होगा तो नहीं, तो फ्रेंड्स कोई भी सेफ लिमिट नहीं है। किसी भी प्रकार का नशा प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, ये आपके बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। ओके अब दूसरी बात क्या है प्रेगनेंसी में ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की जो लंबी यात्रा जो 4 घंटे से ऊपर हो कोशिश करिए कि आप अवॉइड करें। ओके लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप पूरे प्रिकॉशंस के साथ चाहे वो आप एरोप्लेन से कर रहे हो चाहे ट्रेन से कर रहे हो वो आप कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बहुत ही एक डिटेल वीडियो अलग से बनाया हुआ है तो वो आप प्लीज़ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो है हमारा वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।